और प्रोफेशन से मैं इंजीनियर हूँ। मेरा सवाल एक है, ये अपना हिंदुस्तान में जो है, पहले हिंदुज़म आया, बाद में बुद्धिज़्म आया, बाद में जैनिज़्म आया और लास्ट में जाके सिखिज़्म आया, ये सब में कभी भी ऐसा झगड़ा लफड़ा बिपड़ा कुछ भी नहीं हुआ। इधर से जितना भी आया, जैसे जूश है, बाद में क्रिश्चियंस है, बाद में इस्लाम है, ये तीनों में 1400 साल होने के बाद भी अभी तक क्यों लड़ाई झगड़े है? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, आप जो टेररिस्ट का कोच जो भी कुछ डेफिनेशन दिए वो तो ठीक है, जान दे दो, मगर टेररिस्ट लोग इस्लाम को बदनाम करते, कुछ भी हो आप उसके अगेंस्ट ये जो काम कर रहे ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात, ये अभी जो इराक में वो अच्छा काम नहीं किए, कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, रिलीजियस प्लेसेस को ऐसा नहीं करना चाहिए, जरा बराबर से सवाल। भाई साहब ने दो सवाल पूछा है। पहला सवाल पूछा है कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू धर्म आया, हिंदुइज्म आया, फिर बुद्धिज्म आया, फिर जैनिज्म आया, फिर सिखिज्म आया, लफड़ा झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में हमेशा झगड़ा है। क्यों? आप शायद अपने मज़हब के बारे में नहीं जानते। आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत पढ़ी आपने? पूरी महाभारत में झगड़ा ही झगड़ा है। बाकी मजहब के नहीं, अपने आपस में। अगर आप पढ़ते महाभारत, जो एक स्मृति है जो मैं पढ़ चुका हूं, उसके अंदर कजिन्स, रिश्तेदारों के बीच पांडव 5 और कौरव 100 झगड़ा होता है। महाभारत में झगड़े के बारे में जितने वर्सेस है, कुरान मजीद से कई गुना ज्यादा। अगर गिनेंगे हम कुरान मजीद गिनेंगे कितने वर्सेस है, महाभारत में कई ज्यादा है। और जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, 18 चैप्टर्स है, भीष्म पर्व के चैप्टर नंबर 25-42 को कहते हैं भगवत गीता। और भगवत गीता सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है हिंदू मजहब में। और यहां ये भगवत गीता श्री कृष्ण राय दे रहे, सलाह दे रहे, सजेशन दे रहे, एडवाइस दे रहे अर्जुन को। जब आप पढ़ते भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 45-46, अर्जुन जंग के मैदान में अपने हथियार को जमीन पर रखता है और कहता है श्री कृष्ण से, मैं जंग के मैदान में निहत्ता मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं। ये कहता है, आपने पढ़ी होंगी। उसके फौरन बाद चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम इतने बुजदिल कब से बन गए, तुम नपुंसक कब से बन गए, हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम इन योर हार्ट, हाउ हैव यू बिकम इम्पोर्टेंट। वो कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर वर्स नंबर 31, 32, 33 में कहते हैं, वो क्षत्रिय खुश नसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है, अगर आप लड़ेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, लड़ेंगे नहीं तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कौन कहता है? श्री कृष्ण एडवाइस देते हैं अर्जुन को। अगर मैं कहूँगा कि आपके श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। अगर मैं कहूँगा कि आपके हिंदू मजहब की किताब में सिखाया जाता है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। वो हिंदू मुझसे कहता है, लेकिन ये जंग है हक और बातिल के दरमियान। मैं बोला कुरान मजीद में भी वही लिखा है, हक और बातिल के दरमियान। मैं जानता हूं हिंदू मजहब में ये नहीं लिखा है कि रिश्तेदार कत्ल करो, लेकिन हक के लिए लड़ना भी पड़े नो प्रॉब्लम, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके वालदेन हो, नो प्रॉब्लम। तो ये श्री कृष्ण कहते अर्जुन से। और जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम उछालते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, सही बुखारी की जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 किताबु जिहाद में अल्लाह के रसूल कहते कि जो भी मुजाहिद जिहाद के लिए जाता है, अगर उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत पे जाता है, अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उसे इस दुनिया का माल मिलता है। अक्सर क्रिटिक्स इंक्लूडिंग अरुण शूरी इस हदीस को उछालते कहते कैसा मजहब है,
लड़ने को कहता है, मर जाते लड़ाई में तो जन्नत मिलती है, वरना इस दुनिया की दौलत। अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन उठो और लड़ो, अगर आप मर जाएंगे, कत्ल हो जाएगा, आप जाएंगे स्वर्ग में, अगर जिंदा वापस लौटेंगे तो दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो सही बुखारी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वही कहते श्री कृष्ण अर्जुन से। मुझे लगता है कि अरुण शूरी ने भगवद गीता पढ़ी नहीं, अगर पढ़ी होती तो इस्लाम के खिलाफ नहीं लिखते। तो आपको सही जानने के लिए दोनों किताबों का मुताला करना पड़ेगा। आप कह रहे हिंदुइज्म आया, बुद्धिज्म आया, अशोका क्या किया, लाखों लोगों को मारा, आप बोलते कत्ल हुआ ही नहीं, आप शायद भूल गए, आपने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी ही नहीं। तो हिंदुस्तान की तारीख आप पढ़ेंगे, यहाँ भी कई लाखों लोगों का कत्ल हुआ है, ना ही सिर्फ महाभारत के अंदर लिखा है, आप देखेंगे अशोका, फिर वो दुनिया को त्याग करता है और फिर वो संत साधु बन जाता है, लेकिन पहले तो कत्ल किया कि नहीं। तो आप देखेंगे हिस्ट्री में यहाँ भी कत्ल हुआ, जुडाइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है, जहाँ भी आप देखते कुछ जगह जो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, वो हक और बातिल के दरमियान, सही है। और कई जगह आप देखेंगे मासूम लोगों का कत्ल किया गया। आप जानते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, मजहब के नाम पे जो सबसे ज्यादा कत्ल किए वो क्रूसेडर्स ने, ईसाइत के नाम पे लाखों लोगों को कत्ल किया ईसाइत के नाम पे। अगर आप देखेंगे एक शख्स जिसने सबसे ज्यादा कत्ल किया दुनिया में, कौन है सबसे ज्यादा कत्ल किसने किया दुनिया में, हिटलर, हिटलर जूस का कत्ल किया 6 मिलियन, कितने 60 लाख लोगों का कत्ल किया। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ईसाइत गलत है, अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी का कत्ल किया, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ईसाइत और बाइबल ये सिखलाती है, मैं बाइबल पढ़ा हूँ। क्योंकि हिटलर ने 60 लाख यहूदी का कत्ल किया, हम ईसाइत को दोष नहीं दे सकते, लेकिन मैं जानता हूँ कि ईसाइत के नाम पे जो होली वॉर कहा जाता है, क्रूसेडर्स ने हजारों लोग को अपने सिर्फ मजहब को कन्वर्ट करने के लिए लाखों लोग का कत्ल किया। तो आप देखेंगे कई तारीख है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बाहर भी है, हिंदुइज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी है, आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है, लेकिन जब टकराव होता है हक और बातिल का, तो हक के लिए बातिल के खिलाफ हमें लड़ना ज़रूरी है। तो ये आपकी गलतफहमी है। आपका दूसरा सवाल, क्या टेररिस्ट लोग ने, कुछ टेररिस्ट लोग ने इस्लाम को बदनाम किया है, और आपने कहा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हक को फैला रहे, अमन को फैला रहे, आप कहते हैं कुछ हद तक सही कहते, जैसे मैंने कहा कि जो मीडिया जिसे टेररिस्ट कहती है, वो टेररिस्ट कौन से टेररिस्ट है वो हमें जानना ज़रूरी है, कौन से टाइप के टेररिस्ट है, कि वो जो लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनके दिल में दहशत पैदा कर रहे, तो सही किस्म के टेररिस्ट है, जैसे भगत सिंह टेररिस्ट था लेकिन अच्छा था, उस तरीके से अगर कोई मुसलमान गलत लोगों के साथ लड़ रहे हैं हक के लिए तो सही है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि देर आर ब्लैक शिप इन अ कम्युनिटी, कुछ मुसलमान सिर्फ नाम के लिए, और अक्सर लोग समझते ना ही गैर मुस्लिम, मुसलमान भी समझते हैं वो जिहाद क्या समझते हैं, अगर कोई भी मुस्लिम किसी वजह से लड़ रहा है, चाहे वो जाती फायदे के लिए हो, चाहे वो नाम के लिए हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे ज़मीन के लिए, उसे कहते हैं जिहाद। ये गलत फहमी है। जिहाद के माने ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी जो जंग करता है, चाहे जाती फायदे के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, पैसे के लिए हो, ज़मीन के लिए हो, उसे जिहाद नहीं कहते। जिहाद आता है लफ्ज़ जहादा से, मीन्स टू स्ट्राइव टू स्ट्रगल। जिहाद इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में टू फाइट अगेंस्ट वन्स ओन इविल इंक्लिनेशन, हमारी खुद की गलत नफ्स से झगड़ना, जिहाद करना, उसे कहते सही जिहाद। माशरे को सुधारना को कहा गया जिहाद, जंग के मैदान में सेल्फ डिफेंस में लड़ना, उसे कहा गया जिहाद। तो मीडिया इसे गलत फैला रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सही में टेररिस्ट कौन है जो सही तौर पे मासूम लोग के दिल में दहशत पैदा कर रहा है,
नंबर वन टेररिस्ट आज की तारीख में, पुरानी बात छोड़ दीजिए, आज के तारीख में मासूम लोगों के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, मेरे हिसाब से नंबर वन टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। आप जानते हैं कि सबसे ताकतवर मुल्क यूएसए, सबसे कमजोर मुल्क अफगानिस्तान पे बॉम्ब फेंक रहा है, ये क्या मर्दानगी है क्या? इसे मर्दानगी कहते हैं? बॉम्ब फेंक रहा है ऊपर से, और हम देखते हैं किसके लिए इल्ज़ाम लगाते बिन लादिन पे। मैं बिन लादिन का दोस्त नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ बिन लादिन अच्छा है कि बुरा है, ओसामा बिन लादिन को मैं मिला नहीं हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ, तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि ओसामा बिन लादिन टेररिस्ट है क्या नहीं, लेकिन अगर मान भी लो, जितने प्रूफ है सब गलत है, अफगानिस्तान बोलती है यूएसए से आप हमको प्रूफ दो, वो प्रूफ देते मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को, प्रूफ मांग रहे अफगान लोग, दे रहे मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को, ये किधर का इंसाफ है? क्योंकि उनके पास प्रूफ है ही नहीं। अगर मान भी लो बहस के तौर पे, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर एक शख्स ने ऐसा गलत काम किया, आप एक शख्स के लिए क्या सारे देश के ऊपर बम डाल सकते? हजार लोग का कत्ल कर रहे, क्या हक है उनको? फिर जाते इराक के पास, हजार लोग को मारते। मैं ये नहीं कहता सद्दाम हुसैन अच्छा इंसान है, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं जानता हूँ काफ़ी गलतियाँ की, लेकिन जो इराकी लोग सद्दाम हुसैन के टाइम पे जो उनको तकलीफ हो रही थी, अभी उससे कई ज़्यादा हो रही है, कई ज़्यादा। कौन कर रहा है? जॉर्ज बुश। ये तो मैंने 5 साल पहले कहा था ऑस्ट्रेलिया में, जब मुझे अमेरिकन कॉन्सुलेट ने पूछा था सवाल कि डू यू कंसिडर ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट, तो मैंने उस वक्त कहा था, चंद महीने बाद, 2-3 महीने बाद, 11 सितंबर के बाद, आई कंसिडर नंबर वन टेररिस्ट टू बी जॉर्ज बुश, और हेडलाइंस में आया था। आज तो कई लोग कहते हैं कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट नंबर वन है, अमेरिका में भी जब एक सर्वे हुआ था, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे की थी यूएसए में, जानने के लिए 3 नाम दिए उनने, कौन सबसे बड़ा टेररिस्ट है, ओसामा बिन लादिन, सद्दाम हुसैन या जॉर्ज बुश। नंबर वन हमेशा जॉर्ज बुश है। गैर मुस्लिम भी कहते हैं सबसे नंबर वन टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। सबसे लोएस्ट परसेंटेज उसको मिला 73%, और कुछ लोग ने 78% लोग ने कहा कि टेररिस्ट नंबर वन जॉर्ज बुश। अभी उन्हें पता लग रहा है 5 साल बाद, 6 साल बाद, मैं तो पहले कहा था। तो आप मुझसे पूछेंगे कि ये मीडिया ऐसे लोग को लेके उछाल रही है और मीडिया बदनाम कर रही, जो हालात हो रही है, कोई भी मजहबी, चाहे टेम्पल हो, चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, कुरान में लिखा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, कोई भी। कुरान की आयत है, डू नॉट डिस्ट्रॉय टेम्पल्स, चर्चेज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, गलत है। तो कुरान में भी लिखा है, तो कोई भी शख्स ये करता है टेम्पल या मस्जिद या मोनेस्ट्रीज या सिनेगॉग्स को तोड़ता है, तो ये इंसानियत के खिलाफ है और कुरान मजीद के खिलाफ भी है। Hope that answers the question.